अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट होप यू आर ऑल फाइन आई एम योर मैथ टीचर जुनैरा फ्रॉम अलाइड स्कूल अल अलफर कैंपस नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज फाइव पी क्वेश्चन नंबर सिक्स है आपका फ्रॉम द सम ऑफ माइनस फाइव एंड ट्वेंटी एट सबट्रैक्ट माइनस ट्वेंटी यानी आपने फ्रॉम वाली वैल्यू में से सम ऑफ माइनस फाइव एंड ट्वेंटी एट यानी इन दोनों का सम करना है फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है माइनस ट्वेंटी से यानी आप पहले इस पार्ट को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे माइनस फ़ाइव प्लस ट्वेंटी एट यानी ये फ्रॉम वाली वैल्यू जो फ्रॉम वाली वैल्यू होती है वो हमने कहाँ लिखनी होती है पहले लिखनी होती है फ्रॉम वाली वैल्यू पहले लिखी फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है सब्ट्रैक्ट किया माइनस ट्वेंटी को ठीक है अब आपने क्या करना है माइनस फाइव और ट्वेंटी एट को सॉल्व करना है एट में से फाइव गए थ्री आ गया ट्वेंटी थ्री ग्रेटर वैल्यू के साथ साइन प्लस है तो इसके साथ भी क्या आएगा प्लस आएगा इसका आंसर क्या आ गया ट्वेंटी थ्री माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ट्वेंटी अब ट्वेंटी थ्री और ट्वेंटी को हमने ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या गया? 43 आ गया फोर्टी थ्री आ गया फोर्टी थ्री आपका क्या है आंसर क्वेश्चन नंबर सेवन है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ माइनस इलेवन एंड माइनस एटीन फ्राम माइनस ट्वेंटी थ्री यानी आपने माइनस करना है इन दोनों के सम को फ्रॉम माइनस ट्वेंटी थ्री यानी फ्रॉम वाली वैल्यू में से आपको पता है फ्रॉम वाली वैल्यू हम पहले लिखते हैं तो पहले मैं क्या करूँगी पहले इस पार्ट को मैं सॉल्व कर लूँगी माइनस इलेवन माइनस एटीन जब मैंने माइनस एटीन और माइनस इलेवन को प्लस किया एट और वन नाइन आ गया वन और वन टू आ गया ठीक है और इसके साथ क्या आ गया माइनस ट्वेंटी नाइन तो इसका आंसर क्या आया माइनस ट्वेंटी नाइन आपने क्या करना है फ्रॉम वाली वैल्यू पहले लिखनी है फ्रॉम वाली वैल्यू क्या है माइनस ट्वेंटी थ्री अब आपने क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है इस वाला जो इसका आंसर होगा माइनस ट्वेंटी नाइन को ट्वेंटी थ्री आ गया माइनस ट्वेंटी थ्री माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस ट्वेंटी नाइन आ गया अब आपने क्या करना है प्लस ट्वेंटी नाइन है माइनस ट्वेंटी थ्री या नाइन में से थ्री माइनस किए तो आपके पास सिक्स आ गया साइन किसका आएगा प्लस का क्योंकि ट्वेंटी नाइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू ग्रेटर वैल्यू के साथ जो साइन होता है हम वो लगाते हैं तो इसका आपके पास आंसर क्या आ गया सिक्स आपके पास आंसर आ गया इसका मल्टीप्लाई माइनस सेवनटीन बाई माइनस वन तो इसका आंसर क्या है सेवनटीन वन आर सेवनटीन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस तो उन्होंने पूछा इज़ द प्रोडक्ट द नेगेटिव ऑफ सेवनटीन यस द प्रोडक्ट इज़ द नेगेटिव ऑफ माइनस सेवनटीन क्वेश्चन नंबर नाइन आपके पास फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलिंग आपने सिंपल प्रोडक्ट फाइंड करना है माइनस सेवनटीन ऐसे ही आ जाएगा मल्टीप्लाई टेन वन जर टेन आ गया और इसके साथ क्या था माइनस तो वो माइनस ऐसे आ जाएगा जब हमने सेवनटीन और टेन को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर क्या आया वन सेवेंटी वन सेवेंटी आ गया माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया प्लस आ गया अब आपने क्या करना है पहले इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा लेना ठीक है कि मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास आंसर क्या है टेन थाउजेंड आया इसको सॉल्व आउट किया तो हमने क्या किया टेन थाउजेंड आया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या आएगा ट्वेंटी नाइन और जितने ये ज़ीरो हैं वो हम इसके साथ लगा देंगे ठीक है अब हम क्या करेंगे पहले हम इन दो टू वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेंगे ट्वेंटी थ्री को जब हंड्रेड से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास क्या आ गया ट्वेंटी थ्री हंड्रेड और ये वाला माइनस एज़ इट इज़ आ जाएगा ये मल्टीप्लाई और माइनस टेन भी ऐसे ही आ जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा ट्वेंटी थ्री हंड्रेड को जब हम टेन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा सिर्फ़ एक जीरो ऐड हो जाएगा ठीक है क्वेश्चन नंबर टेन है फाइंड एन इंटीजर विच डिवाइड्स माइनस हंड्रेड टू गिव माइनस फाइव वो कहते हैं कोई एक ऐसा इंटीजर फाइंड करें जब हम हंड्रेड के साथ डिवाइड करें उसको तो आपके पास जो आंसर आए वो फाइव है आप क्या करेंगे माइनस हंड्रेड को अंदर रखेंगे माइनस फाइव पर डिवाइड कर देंगे माइनस फाइव ट्वेंटीजार माइनस हंड्रेड यानी आपका आंसर क्या आया है ट्वेंटी आंसर आया है और जब आप हाँ ट्वेंटी को क्या करोगे डिवाइड करोगे हंड्रेड के साथ यानी ट्वेंटी को बाहर रखोगे हंड्रेड को अंदर तो आपके पास ट्वेंटी फ़ाइव हज़ार क्या आएगा हंड्रेड यानी ट्वेंटी फ़ाइव जीरो जीरो फ़ाइव टू हज़ार टेन यानी ट्वेंटी फाइव हज़ार हंड्रेड आ जाएगा तो आपका आंसर क्या है ट्वेंटी आया थैंक यू